जहां एक तरफ इजराइल पर अमेरिका बेहद सख्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने पाकिस्तान में घुसकर चुन चुन कर मरवाया है लोगों को, ये कहना है ब्रिटिश अखबार गार्जियन का। जानेंगे भारत ने इस पर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि गाजा में जो खराब मानवीय स्थिति बनी है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने नेतन्याहू से संकट से निपटने के लिए कदम उठाने या फिर अमेरिका का समर्थन खोने जैसे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। इजराइल के सबसे कट्टर सहयोगी अमेरिका की ओर से गाजा पर अब तक का सबसे सख्त बयान माना जा रहा है। अमेरिका का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में जारी युद्ध को 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। लगातार जारी लड़ाई की वजह से गाजा में 33,000 मौतें हो चुकी है और आधी से ज्यादा आबादी शिविरों में रहने मजबूर है। गाजा की बड़ी आबादी के सामने भोजन और पानी का संकट है। इस स्थिति को लेकर दुनिया भर में इजराइल को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर अमेरिका ने भी सख्त रुख दिखाया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मियों के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद बाइडेन और नेतन्याहू के बीच 30 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है और इन हत्याओं से व्हाइट हाउस के अंदर हलचल है और बाइडेन की इजरायल के अभियान के प्रति निराशा के एक नए स्तर पर पहुंच गई है। इस बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमले समग्र मानवीय स्थिति अस्वीकार्य है। गाजा के संबंध में अमेरिकी नीति भी इस ओर इजराइल की कार्रवाई को परखने के बाद तय होगी। बयान में कहा कि बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि इजराइल को नागरिक क्षति, मानवीय पीड़ा और सहायता कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष और ठोस कदम उठाने, उनको लागू करने की जरूरत है। फोन पर बातचीत में नेतन्याहू ने बाइडेन के सामने स्वीकार किया कि इस सप्ताह 7 वर्ल्ड सेंट्रल किचन सहायता कर्मियों की मौत के लिए इजराइल रक्षा बल दोषी है। उन्होंने बाइडेन को आश्वासन दिया कि इजरायली सरकार ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उपाय कर रही है। नेतन्याहू ने बाइडेन को बताया कि इजराइल की ओर से गाजा के अंदर गैर लाभकारी श्रमिकों की ट्रैकिंग में सुधार करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कॉल के दौरान यह भी वादा किया कि इजराइल जल्द ही मानवीय क्रॉसिंग के नए उद्घाटन के साथ साथ नागरिक क्षति को सीमित करने के लिए प्रक्रियात्मक बदलावों की घोषणा करेगा। एक इजरायली अधिकारी के अनुसार इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने इजरायल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है ताकि एनक्लेव में अधिक मानवीय सहायता की अनुमति मिल सके। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं एक दूसरी खबर ने हड़कंप मचाकर रखा हुआ है। मोसाद, KGB, CIA, MI5 की तरह क्या रॉ भी आतंकियों का शिकार कर रहा है? अब बर्दाश्त करने वाला देश नहीं रहा है भारत। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में कम से कम 20 एंटी इंडिया तत्वों को निशाना बनाकर हत्या की गई है और इन हत्याओं में भारत की खुफिया एजेंसी रो शामिल है, ये कहना है ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का। हालांकि इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये खबर झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है कि भारत ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स की है। विदेश मंत्रालय ने आगे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को दोहराया कि किसी अन्य देश में टारगेट किलिंग्स भारत सरकार की नीति नहीं रही है। पहले कनाडा, फिर अमेरिका और अब पाकिस्तान। पिछले कुछ महीनों में भारत पर एंटी इंडिया तत्वों को मारने के कई आरोप लगाए गए हैं। जैसे कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत सरकार से जोड़े, तो अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने का दावा किया। वहीं पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में हो रही हत्याओं के पीछे भारत शामिल है।
हालांकि भारत सरकार ने एक भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन भारत पर लगने वाले ये आरोप कुछ इसी तरह के आरोप हैं जैसे आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगते हैं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर लगते हैं, रूस की खुफिया एजेंसी KGB पर लगते हैं और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 पर लगते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर इमेज को पीछे छोड़ दिया है? क्या भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जिसकी पॉलिसी में आतंकवादियों को किसी हाल में छोड़ना नहीं है? मोदी सरकार के कार्यकाल में पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो मोदी सरकार ने ISI को जांच के लिए भारत बुलाया था, लेकिन जब बार बार भारत में हमले होने शुरू हो गए तो कहा जाता है कि एक चीज तो समझ में आ गया कि कुछ चीजें बदलनी शुरू हो गई और लगने लगा जैसे कि आतंकवादियों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये आतंकवादी सुधरेंगे नहीं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ भारतीय खुफिया अधिकारियों के हवाले से यही दावा किया है कि भारत ने इजराइल की मोसाद, रूस की KGB जैसी खुफिया एजेंसियों से प्रेरणा ली जो विदेशी धरती पर हत्याओं से जुड़ी हुई है। भारतीय अधिकारी ने ये भी कहा कि सऊदी पत्रकार और असंतुष्ट जमाल खगोशी की हत्या, जिनकी 2018 में सऊदी दूतावास में हत्या कर दी गई थी, रो के अधिकारियों ने सीधे तौर पर उसका उदाहरण दिया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी ने कहा कि 2018 में हुए जमाल खगोशी की हत्या के कुछ महीने बाद भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय में खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के बीच इस पर बहस भी हुई। इस मामले से कैसे कुछ सीखा जा सकता है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में कहा कि अगर सऊदी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटिश अखबार इस रिपोर्ट को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोई भी देश ऐसी जिम्मेदारी कभी लेता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस रिपोर्ट से हटकर एक बात जरूर है कि पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को एक के बाद एक ठिकाने लगाया गया है, जिसके बाद दर्जनों आतंकवादियों को ISI ने अपने सुरक्षित ठिकानों में छिपा दिया है। पिछले कुछ महीनों में मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर शामिल कई मास्टरमाइंड आतंकवादियों की गोली मारकर जहर देकर हत्याएं हुई। इन हत्याओं में कई ऐसे नाम हैं जो वांटेड आतंकवादी थे और पाकिस्तान सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ज्यादातर मामलों में उन आतंकियों के नाम लेने से हिचकिचाता रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार ने विदेशों में रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने के व्यापक रणनीति के तहत पाकिस्तान में व्यक्तियों की हत्या की है। रिपोर्ट में ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे भारत की मोदी सरकार ने एक नीति तैयार की थी जिसमें किसी भी हाल में आतंकवादियों को छोड़ना शामिल नहीं है, पिछले 3 दशकों से भारत लगातार आतंकवाद की समस्या को लेकर हर इंटरनेशनल फोरम पर आवाज उठाता आया है। इतिहास गवाह है, जब तक अमेरिका के 9/11 का हमला नहीं हुआ उस वक्त तक अमेरिका को भारत की आतंकवाद के खिलाफ आवाज सुनाई नहीं दी। अमेरिका लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को कहीं न कहीं इग्नोर करता था। अमेरिकी डॉलर्स जो पाकिस्तान में जाते थे उसकी भलाई के लिए, लेकिन खर्च होते थे कहीं और। पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में सैकड़ों आतंकी हमलों को अंजाम दिया, लेकिन हर बार इंटरनेशनल फोरम कान बंद किए हुए रहा। अभी भी यूनाइटेड नेशंस में यही होता है। भारत जिन दहशतगर्दियों को UNSC के सामने पेश करता है, चीन उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तानी आतंकियों को मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल होने से रोक देता है। जाहिर तौर पर यह न सिर्फ UNSC के मंच का गलत इस्तेमाल होता है बल्कि ये भी साफ बताता है कि आतंकवाद को लेकर दुनिया किस तरीके से दोहरा रवैया अपनाती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हो या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हो या फिर रूसी खुफिया एजेंसी मोसाद, रूसी खुफिया एजेंसी KGB, इन्होंने विदेशों में सैकड़ों हत्याएं की है। जिन लोगों से इनके देशों को खतरा रहा है वो उन्हें मार देते हैं। CIA ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा। मोसाद तो विदेशों में ऑपरेशंस देने के लिए कुख्यात और विख्यात भी रहा है। रूसी KGB भी अपने दुश्मनों को जहर देकर मारने के लिए जानी जाती है। यानी दुनिया के दोगलेपन को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भारत कर भी रहा है तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वैसे भारत ने अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।